जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024। इसमें दोस्तों बांसवाड़ा में स्पेशल इसके ऊपर गहनता से रिसर्च चल रहा है दोस्तों। बांसवाड़ा में फर्जी पेंशनधारियों पर कसा शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, ताजा तरीन खबर है, आज की ही खबर है दोस्तों। बांसवाड़ा जिले में फर्जी पेंशनधारियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है, तो इसी की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो दोस्तों। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल में। देखो भाई, बांसवाड़ा में इसकी जो है टीम लगी हुई है, सर्च कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि भाई कौन कौन फर्जी हैं जो पेंशन ले रहे हैं, उन सभी की पेंशन भी बंद की जा रही है और इसके ऊपर कार्यवाही भी की जा रही है दोस्तों विभाग के द्वारा। तो चलो इसी की खबर देख लेते हैं एक नजर में। देखो बांसवाड़ा की बात है, ये केवल और केवल जिला बांसवाड़ा राजस्थान में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024, राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, फर्जी पेंशन धारियों पर कसा शिकंजा। जी हां साथियों, जो भी फर्जी पेंशन ले रहे थे उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है, उनकी पेंशन बंद की जा रही है और भी जो बातें हैं वो हम करने वाले हैं। देखो कितने इसके चपेट में आ रहे हैं, कितने फर्जी पेंशनधारी हैं जो इसकी चपेट में आएंगे। कुल पेंशनर्स तो कितने हैं, केवल बांसवाड़ा की बात हो रही है दोस्त। कहां की? केवल बांसवाड़ा की। कुल पेंशनर्स हैं 260,434। बांसवाड़ा जिला है राजस्थान में, वहां पे पेंशन लेने वाले कितने हैं? 260,434। जी हां साथियों, ये वृद्धावस्था वाली पेंशन है, समझ रहे हो? कैसी पेंशन है साहब? वृद्धावस्था पेंशन। अच्छा जी, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब 260,434 तो कुल है पेंशन लेने वाले, ठीक है साहब। और सत्यापन कितने का हो चुका है? सत्यापन 184,149 लोगों ने सत्यापन करवा लिया है, यानी कि जो वार्षिक सत्यापन होता है पेंशन का हम करवाते हैं, तो वो 184,149 लोगों ने इसका सत्यापन भी करवा लिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं? टोटल तो 260,000 हैं, जिसमें से 250,000 पेंशनर्स तो गांव के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। जी हां साथियों, रूरल हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं 2,50,000। तो बचा कितना? 10,434, यानी कि कुल मिलाकर के 10 से 11,000 लोग ही हैं जो शहरों में रह रहे हैं, जो पेंशन ले रहे हैं। बाकी सारी जनसंख्या गांव की है और गांव के लोग ही पेंशन लेते हैं, आप सभी को पता है भाई। वो ही गरीब हैं, वो ही लेंगे पेंशन। शहरों में तो वैसे ही खरबपति अरबपति पड़ा है, पैसा वाला पड़ा सेठ धन्ना सेठ, उन्हें क्या की जरूरत पेंशन की? पेंशन तो गाँव में गरीब रहते हैं लोग, उनको चाहिए। तो गाँव के क्षेत्रों में 250,000 पेंशनर्स हैं, बाकी 10-11,000 रुपए शहर के हैं, जो 10-11,000 पेंशन लेने वाले शहरों के हैं। 75 साल तक के कितने हैं? 60,848, यानी कि 60,000 लोग 75 साल तक की उम्र के हैं जो पेंशन ले रहे हैं, गाँव में बांसवाड़ा की बात है ये। और 75 से 99 साल के लोग कितने हैं? 15,167 लोग, यानी कि 75 साल तक का तो 60,000, और 75 से और 99 साल के बीच में कितना लोग पेंशन ले लिया? 15,167 लोग, बांसवाड़ा की बात है। और 99 से भी ऊपर के लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं, वो है 270। बांसवाड़ा में ग्रामीण क्षेत्र में 270 लोग हैं जो 99 साल से ऊपर हैं, यानी 100 साल, 101, 102, 3 साल ऐसे हैं वो लोग, 270। और सरकारी कर्मचारी के परिवार में 87 लोग पेंशन ले रहे हैं जो बांसवाड़ा के क्षेत्र में हैं, ठीक है। यानी कि 87 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में सरकारी नौकर हैं, उनके बेटा बेटी सरकारी नौकरियों में हैं और वो फिर वृद्धावस्था की पेंशन ले रहे हैं। अच्छा जी,
टोटल 16,288 पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है साहब। क्या कर दी गई है जी? पेंशन बंद कर दी गई है, यानी कि 16,288 पेंशन फर्जी दस्तावेजों वाले हैं, फर्जी हैं, कम उम्र के हैं। और वैसे ही जैसे भाई कोई फर्जी तरीके से उम्र बढ़वा ली उन्होंने, ई मित्र पे जाके चिपका चुपका करके कर दिया ऐसे ही हैं। तब उनकी जांच की गई है कि भाई आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में जब उनकी उम्र की मिलान की गई तो पाया कि इनकी उम्र कम है दोस्तों, यानी कि आधार कार्ड में तो बढ़वा लेते हैं और फिर जन आधार में नहीं बढ़ पाई होगी, राशन कार्ड में नहीं बढ़ पाई होगी। इस वजह से फिर उनकी जब जांच हुई है राज एसएसपी पोर्टल से ऑनलाइन तरीके से जब उसकी जांच की गई है ना दोस्तों, तो पकड़ में आ गई बात कि भाई ये तो कम उम्र के लोग हैं और वैसे भी दिख रहे हैं, शक्ल से भी दिख जाता है लोग कि भाई ये 60 का हुआ है कि नहीं हुआ है अभी, समझ रहे हो। और चलो शकल सूरत से ना भी दिखे तो वो वैसे कागजों से तो पकड़ा जाएगा ना, तो उस हिसाब से ये आधार और जन आधार इनमें राशन कार्ड में इनमें जब इनकी जांच हुई तो पाया कि इनकी उम्र कम है, तो ऐसे लोग हैं ये 16,288 लोग। तो विभाग अब इसकी जांच एसएसपी पोर्टल से तो की है ना, एसएसपी पोर्टल से, तो अब उसके बाद वैसे भी जांच कर रहा है विभाग इसकी, वैसे भी जांच की जा रही है और जयपुर से इनके ऊपर कार्यवाही होगी, जयपुर विभाग से इनके ऊपर कार्रवाई होती है। अब देखो भाई क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती, कार्रवाई तो क्या हो सकती है भाई, या तो इनसे वो पेंशन वसूला जा सकता है, समझ रहे हो, पेंशन वसूली भाई, जितने भी आपने पेंशन ली है वो पेंशन वापस लौटाओगे और तो क्या करेंगे। अब आप ही सोचो इन्होंने कितनी साल तक पेंशन ले ली होगी, क्या वो पूरा पैसा वापस दे पाएंगे ये लोग? नहीं साहब, बहुत मुश्किल है। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। इन सभी की उम्र कम है साथियों, कोई की 40, कोई की 45, कोई की 50 साल, इस प्रकार से कम उम्र के लोग हैं ये 16,288 लोग हैं जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे। इनकी पेंशन तो बंद कर दी गई है विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इनकी पेंशन बंद कर दी गई है। अब इनके ऊपर जांच चल रही है, देखा जाता है कि जयपुर से क्या नियम है, क्या उस नियम के अनुसार इनके ऊपर जांच होगी और फिर इनको क्या भाई जो भी है इनके ऊपर जुर्माना लगता है या पेंशन वसूली जाती है, जो भी होता है वो आगे की कार्रवाई है जो विभाग करेगा साथियों। तो ये है आज की ताज़ा खबर जो मैंने आपके साथ साझा की है। जो भी फर्जी तरीके से पेंशन लेना चाहता है कृपया इससे बचें भैया, आप अपने फर्जी तरीके को छोड़ो, आप अपने हिसाब से जब उम्र हो जाए आपकी आराम से तब बनवा लेना, कोई समस्या नहीं है। 2-4 साल में पैसे ज़्यादा नहीं कमा सकते हो तुम लोग कि भाई चलो 3 साल पहले ही बनवा लेते हैं इतना फायदा हो जाए, कुछ भी नहीं है। जब पकड़ में आती है ना, जब सारी निकल जाती है रकम, इसलिए आप ईमानदारी से पैसा लीजिए, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। हाँ आराम से देखो, महिला की तो एज है ना, महिला की एज 55 साल होती है और पुरुष की एज है जो 58 साल होती है। इस उम्र में आपको वृद्धावस्था पेंशन आराम से मिल जाएगी, कोई जरूरत नहीं है फर्जीवाड़े की, समझ गए। जो भी महिला 55 साल की है आराम से पेंशन बन जाएगी और पुरुष 58 साल का है तो आराम से पेंशन बन जाती है, कोई समस्या नहीं है। 60 साल की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन बस आपके सारे डॉक्यूमेंट्सों में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, नाम आपका सेम होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। आराम से ऑनलाइन ई मित्र के द्वारा ही आपकी पेंशन बन जाएगी। जो भी महिला 55 साल की है और पुरुष 58 साल का है वृद्धावस्था पेंशन ले सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।